दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट के सीरीज में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट एग्रीगेशन को। मार्केट एग्रीगेशन क्या होता है, यहाँ पर देखो, जो मार्केट है और एग्रीगेशन का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इकट्ठा करना, ये किसी चीज़ को एकत्र करना है ना, तो मार्केट को इकट्ठा करना। अभी हम लोगों ने देखा था मार्केट का सेगमेंटेशन, किस तरीके से हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, लाइक टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट को किस तरीके से इकट्ठा करते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी हमने क्या देखा था कि अलग अलग तरीके के लोगों को देखा था, जैसे कि मान लो कि कोई भी मार्केट है उसको हमने अलग टुकड़ों में डिवाइड किया था। मान लो कि हमने देखा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर मान लो कि फुटवियर का एग्जांपल लिया था, है ना, कि मान लो जूते बनाते हैं हम, जूते बनाने वाली कंपनी है, फुटवियर है, ठीक है, वो किस में दो पार्ट्स उसके बना लो, एक मेंस वियर बनाएगी, दूसरा की तरह बनाएगी वुमेंस वियर के बनाएगी, ठीक है। अब मेंस वियर में भी उसके रनिंग शूज अलग होंगे, ठीक है, और रनिंग शूज के अलावा मान लो उसके पार्टी वियर शूज अलग होंगे, प्ले के जो भी बास्केटबॉल प्लेइंग के अलग अलग खेलने के खेल के अलग शूज़ होंगे, ठीक है। तो अलग अलग मतलब कि शूज़ के भी आप क्या करोगे, सब पार्ट्स करोगे, उसको भी अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ोगे, ठीक है। बट यहीं पर अगर आप इन सारे सेगमेंट्स को देख करके कोई ऐसा कॉमन चीज़ निकाल दो जो कि सभी लोगों के लिए सेम हो, मान लो कि वुमेंस हो चाहे वुमेंस हो, सभी लोगों के लिए कोई भी चीज़ सेम हो, मान लो कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो इन लोगों को कोई भी एक बीमारी हो गई, ठीक है, चाहे मेंस हो चाहे वो वुमेंस हो, वो चाहे मेंस हो चाहे आदमी हो चाहे वुमेन हो, औरतें हो, किसी कोई भी लोगों, उन लोगों को मान लो कि कोई भी चीज़ की बीमारी हो गई, मान लो उनको डायबिटीज़ है, ठीक है, तो डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए क्या होगा, अब सभी लोगों का यहाँ पर सेम एक ग्रुप बन गया है ना, वहाँ पर से कोई देखेगा नहीं कि वो मैन है कि वो वुमेन है कि वो बच्चा है। अगर मान लो किसी को भी डायबिटीज़ है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऐसी कुछ एक मेडिसिन को लेगा या फिर कुछ एक ऐसी दवाइयों को लेगा जो कि सभी लोगों के लिए उपयोगी होंगी, ठीक है। तो सेगमेंट जहाँ पर भी टूटा हुआ हो मार्केट, उन सभी टूटे हुए मार्केट को क्या करना है, एकत्रित करना है, यानी कि ऐसी कॉमन चीजों को देखना है जो कि सभी लोगों के लिए उपयोगी हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मार्केट एग्रीगेशन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि एग्रीगेशन का क्या मतलब है। सेगमेंट्स जो भी आपने टुकड़ों में अभी तक तोड़ा था, टुकड़ों में तोड़ने के बजाय में अब इस बार आपको क्या करना है, कॉमन चीज ढूंढनी कि सभी लोगों के अंदर एक क्या हम कॉमन चीज ढूंढ करके क्या ऐसी चीज बना सकते हैं, ठीक है, जो कि सभी लोगों के लिए उपयोगी हो, ठीक है। वहां पर से आपको कोई भी चीजों में डिवाइड नहीं करना है कि ये मैन का है, वो वुमेन का है, वो बच्चों का है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ठीक है। वो अगर कोई भी बीमारी आई तो भैया उसको वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देख लो इसका क्या मीनिंग लिखा हुआ है कि मार्केट एग्रीगेशन मींस क्या होता है, ब्रिंगिंग टुगेदर होल मार्केट, मतलब पूरे मार्केट को एक साथ इकट्ठा करना, एंड देयर इज नो सेगमेंटेशन, और जिसमें कोई भी इकट्ठा मतलब कि जिसमें कोई भी टुकड़े तोड़ने की बात नहीं की गई, ऑल्सो नोन एज द मास मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग मास मार्केटिंग को हम लोग इसको मार्केट एग्रीगेशन एक टाइप है मास मार्केटिंग का, ठीक है। मान लो कि जो आटा है, ठीक है, गेहूं है, नमक है, ठीक है, दाल हो गया है ना, आपका शुगर हो गया, लाइक आपकी जो चीनी हो गया, और सभी लोग खाते हैं, बच्चा बूढ़ा जवान लेडीज जेंट सबको ही खाता है, ठीक है, सभी लोग खाते हैं, तो अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मास मार्केटिंग, जो सभी लोग यूज़ कर सकें, है ना, उसमें से आपको सब कॉमन चीज़ देखनी है कि सभी लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोग क्या कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी पक्षपात नहीं करना है कि नहीं मेंस तो अलग खाते हैं वुमेंस तो अलग खाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में आपका है कि मार्केटिंग ऑफ सेम प्रोडक्ट और सर्विस इन अ डिफरेंट सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट दैट हैव कॉमन नीड्स, मतलब कि सभी लोगों की आपकी कॉमन नीड्स देखनी है, जो भी आपने अभी तक क्या किया है, सेगमेंट किया हुआ है, लोगों को टुकड़ों में तोड़ा हुआ है कि ये मेंस का है, वो वुमेंस का है, ठीक है, तो हम उन सभी लोगों के अंदर क्या देखना है, कॉमन नीड्स देखना है कि सभी लोगों की कॉमन नीड क्या है। अब भाई नमक है तो नमक के बिना तो किसी का काम चलेगा नहीं ना, तो वो क्या है, कॉमन नीड है सभी लोगों की, सभी लोगों को खाना है, ठीक है, पानी है सभी लोगों को पीना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो नो सेगमेंटेशन, मतलब कि कोई भी उसमें क्या होगा, कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होगा, टारगेट टू ऑल कस्टमर, आप सभी पूरे के पूरे कस्टमर्स को क्या करोगे, टारगेट करोगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आपका क्या होता है, हेटरोजीनियस कस्टमर होता है, मतलब कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई मैन होगा, कोई वुमेन होगा, कोई चाइल्ड होगा, कोई बच्चे होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपका हेटरोजीनियस कस्टमर होगा, हेटरोजीनियस मतलब कि अलग अलग लोग, ठीक है। बट होमोजीनियस प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट ऐसा बनाओगे जो सभी लोगों के लिए उपयोगी हो, ठीक है, सभी लोगों के लिए एक हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर देखो, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, उसके बाद में डायबिटीज़ कंट्रोल की कुछ एक मेडिसिन हो गए हैं एंड ऑल, तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिससे कि आप सभी लोगों के लिए सेम प्रोडक्ट बना करके पूरी मास प्रोडक्शन मास मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि मार्केट एग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मार्केट टारगेटिंग के बारे में, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आए उसको लाइक करिएगा, और पीडीएफ का लिंक चाहिए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस।